आप नाम अपना और? नंदकिशोर चौधरी नाम हुआ मेरा, और दाऊद नगर मौलाबाग जिला औरंगाबाद के रहने वाले हैं बिहार के। और वैसे मौलाबाग में हम रहते हैं, नंदकिशोर चौधरी मेरा नाम हुआ, जिला औरंगाबाद के रहने वाले हुए। नंदकिशोर जी, ये काम कब से आप कर रहे हैं, तालाब में पूरी तरह से सो जाने का काम ऊपर सतह पे? ये काम लगभग 20 साल से ऊपर हो गया होगा, 25 साल। और ये 25 साल से हम इस काम को कर रहे हैं। इसमें ध्यान की जरूरत पड़ती है, एकाग्रता की जरूरत पड़ती है, और जहाँ तक इसमें भीड़ नहीं हो, भीड़ के चलते परेशानी होती है। और भीड़ के में परेशानी ये होती है कि लोग सोचता है कोई मरा हुआ मतलब गुजर रहा है या मर के बह रहा है, इसलिए जो कुछ लोग रोने लगते हैं, बाद में निकलने के बाद लोग को आश्चर्य होता है। और हम लोग को लगता है कि इसे इस प्रोग्राम को प्रदर्शन के तौर पर नहीं करना चाहिए, तो इसलिए इसको हम कभी कोई आप लोग जैसे मीडिया वाले लोग आते हैं तो इस प्रोग्राम को दिखा देते हैं, लेकिन प्रयास करते हैं कि ज़्यादा मतलब लोगों के बीच में इसको प्रदर्शित नहीं किया जाए। धन्यवाद, हम लोग दिखाया आपने 10-15-20 मिनट तो कम से कम आप पानी के सतह पर तैरते ही रहे। इसके अलावा आपको सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कितनी दूरी तक ऊपर सतह पर तैरते हुए आ जाना, छलाते हुए आ जाना, और कितनी देर तक आप रहे हैं सबसे ज़्यादा आपका पानी? जैसे गर्मी के टाइम रहता है तो गर्मी में हम लोग गर्मी से परेशानी रहती है, तो इसलिए निकलते हैं घर से और पानी में सो जाते हैं, और पता नहीं चलता है कब तक सोए हुए हैं। कोई ढेला उला मारता है, चाहे घर में कोई खोजता है तो पता चलता है कि नहीं है, तो जानता हूँ तालाब में मतलब वो गए होंगे लोग। और नहीं तो फिर मछली डिस्टर्ब करता है, कोई बड़ा मछली है तो अंदर से सोचता है कि कोई मरा हुआ है इसलिए खाने के लिए, तो उसे एकाग्रता भंग होती है। लेकिन मुश्किल यानी 8-10 घंटा सिंपल सी बात है, 10-12 घंटा आदमी कंटिन्यू रह सकता है पानी। खुद से प्रेरणा हुई कि ये प्रयास करें या किसी ने सजेस्ट किया या किसी ने सिखाया? नहीं, हुआ कि 20-25 साल पहले एक बच्चा, छोटा सा बच्चा पानी में डूबा हुआ तालाब में गिरा, और उसको बचाने के लिए हम उसको कूदे, हम खुद तैरते नहीं थे, और वो बच्चा और पानी के हल्पा से मतलब और आगे चला गया। लेकिन हम नहीं तैरते हुए भी हम पानी में छला गए, समझ में नहीं आया किस तरह से हुआ। और उसी को हमको लगा कि कुछ एक्स्ट्रा मेरे पास कुछ है, और फिर आदत होने लगा पानी में जब जाए तब छला जाए, छलाते छलाते इस तरह से अभ्यस्त हो गया आदमी कि अब दिनों भर पानी में रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब छहलाने का मतलब आप डूबते नहीं थे पानी? डूबते नहीं थे पानी, आप पानी के सतह पे होते थे, ये छहलाना हुआ। पानी में हम लोग के पानी हमारे लिए बहुत प्रिय है, इनका बहुत प्यार था पानी से हम लोग को, और एडजस्ट कर लिया शरीर, जिस तरह से धरती पर आदमी चल लेता उसी तरह पानी पर सो लेना साधारण सी बात मेरे लिए है। इसको पानी से लड़ना कहिए या पानी से मोहब्बत कहिए, नंदकिशोर जी पानी के सतह पर लगभग सो जाते हैं, डूबते नहीं, तैरते नहीं, इसको छलाना कहते हैं, ऊपरी सतह पर होते हैं। और ये छोटे शहरों में इस तरह की कला, और कभी इन्होंने कोई प्रदर्शन नहीं किया है, ये एक बड़ी बात है। और छोटे शहरों में स्वतः ये स्वांतः सुखाए वाली कला है, जिसको दुनिया को जानना चाहिए, दाऊद नगर को जानना चाहिए, नंदकिशोर जी को जानना चाहिए।